दोस्तों, आज की वीडियो में हम कांवला रोग को दूर करने वाली और लीवर को मजबूत बनाने वाली एक ज़बरदस्त जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है भूमि आमला। ये जड़ी बूटी बरसात के बाद पूरे भारतवर्ष में खूब होती है और आसानी से सभी जगह पर मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, भूमि आंवला खरपतवार के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमारे आंगन में होती है, खेतों में होती है और सड़क के किनारों पर आसानी से हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन इसकी जानकारी न होने के कारण हम इसे खरपतवार समझ बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जड़ी बूटी एक अमृत के समान है। ये कांवला रोग की सबसे बड़ी औषधि है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं भूमि आंवला के बारे में विस्तार से। दोस्तों, इस पौधे को आपने अवश्य ही देखा होगा। दोस्तों, इस पौधे को भूमि आंवला कहते हैं। ये पौधा खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है, लेकिन अपने गुणों से अमृत के समान है। इसके एक छोटे छोटे क्षुभ होते हैं जो वर्षा काल में सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। ये लगभग 1 फीट तक ऊंचा होता है और सीधा बढ़ता है। दोस्तों, इसके पत्तों के नीचे एक कतार में फल लगते हैं। ये फल गोल आकार वाले आंवला के समान लेकिन छोटे होने के कारण इसे भूमि आंवला कहते हैं। हिंदी में भूमि आंवला, भूरी आंवला और हजार मणि से भी जानते हैं। कहीं कहीं इसे हजार दाना भी कहा जाता है। मणिपुरी भाषा में इसे चक्या हैवरु, मलयालम में चुकान की चुहा नेल्ली और गुजराती में भूमि आंवला कहते हैं। ज्यादातर भाषाओं में इसे भूमि आंवला से ही पहचानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम चंबर बिटर और वानस्पतिक नाम फाइलेंथस यूरेनेरिया है। इसकी प्रकृति शीतल होती है। ये खांसी, पित्त, रक्त विकार, कफ, खुजली और सोथहर तथा कुष्ठकन होता है। ये ज्वर नाशक और कांवला रोग की विशेष औषधि है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि भूमि आंवला का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, भूमि आंवला कांवला रोग की सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय औषधि है। कांवला रोग होने पर भूदात्री की जड़ को लेकर साफ करके पीस ले और सुबह शाम लगभग 250 मिलीलीटर दूध के साथ खाली पेट रोजाना सेवन करें। इसका प्रयोग लगभग 15 दिनों तक लगातार करने से कांवला रोग नष्ट हो जाता है। दोस्तों, भूमि आंवला के पूरे पौधे को उखाड़कर साफ करके साव में सुखा ले, फिर इसे मोटा मोटा कूटकर रख ले। जरूरत होने पर इसमें से 10 ग्राम को लेकर 400 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह पकाए। जब चौथाई शेष रह जाए तब उतार कर छान कर ठंडा होने के बाद सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से 1 घंटा पहले सेवन करें। ऐसा लगातार 10 से 12 दिनों तक करने से आंतों का अल्सर मिटता है, पीलिया में फायदा होता है और यकृत की सूजन उतरती है। दोस्तों, जिन लोगों का लीवर खराब हो गया हो, इनके लिए ये औषधि किसी रामबाण से कम नहीं। ये प्रयोग प्रतिदिन करने से लीवर ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये जब ताजी मिल जाती है तो इसके पत्तों को चबाकर खाएं या इसका रस निकालकर सुबह शाम 10 मिली की मात्रा में सेवन करें। इससे सभी प्रकार के ज्वर ठीक हो जाते हैं और कांवला रोग नष्ट होता है। दोस्तों, डायबिटीज में भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके लिए 15 ग्राम इसके पंचांग के चूर्ण के साथ 20 काली मिर्च का चूर्ण मिलाएं। इस चूर्ण का दिन में 2 से 3 बार रोजाना सेवन करने से मधुमेह में अधिक फायदा होता है। जिन लोगों को पेशाब संबंधी समस्या रहती हो, ऐसे लोगों को भूमि आंवला का ताजा रस लगभग 10 मिली की मात्रा में निकालकर उसमें गाय का शुद्ध घी समान मात्रा में मिलाकर पी जाए। इस प्रयोग से पेशाब संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है, पेशाब खुलकर आता है और पेशाब की जलन भी मिटती है। दोस्तों, जिन लोगों को श्वास और काश की समस्या है, ऐसे लोगों को भूमि आंवला के 50 ग्राम पंचांग को लेकर लगभग आधा लीटर पानी में पकाए। ये पानी जब चौथाई शेष रह जाए तब ठंडा होने के बाद छान कर इसमें से 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पिलाए। इससे निश्चय ही काश और श्वास मिटते है। दोस्तों, भूमि आंवला के पंचांग को अच्छी तरह पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तनों की सूजन उतरती है। दोस्तों, ये त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद औषधि है। इसके लिए भूमि आंवला के पत्तों को पीसकर उसमें नमक मिलाकर लगाएं। इससे सभी प्रकार की खुजली का शमन हो जाता है।